शुएब मलिक, जी हाँ शुएब मलिक, उनके हवाले से एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या शुएब मलिक पाकिस्तान की टीम में वापसी कर रहे हैं, क्या शुएब मलिक पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे, क्या शुएब मलिक किसी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जगह अपनी जगह बना पाएंगे वर्ल्ड कप स्क्वाड में। इन सब क्वेश्चन के आंसर लेकर हम आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपको बताएंगे कि क्या शुएब मलिक हमें पाकिस्तान टीम में खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। 99 में अपनी क्रिकेट का आगाज करने वाले शुएब मलिक आज भी पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं, ना कि वो सिर्फ अपनी बैटिंग बल्कि फील्डिंग और बॉलिंग से भी जाने जाते हैं। आज भी वो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर हैं पाकिस्तान के, वन ऑफ द फिटेस्ट क्रिकेटर हैं। आज भी उन्होंने अपनी फिटनेस पे बहुत काम कर रखा है, वो किसी यंग खिलाड़ी से कम नहीं है अपनी फिटनेस को लेकर। तो उनकी टीम में वापसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो क्या शुएब मलिक हमें पाकिस्तान की टीम में खेलते हुए नजर आएंगे, क्या शुएब मलिक हमें पाकिस्तान की टीम में वापसी करते हुए नजर आएंगे? तो इसका आंसर है जी बिल्कुल, शुएब मलिक हमें टीवी स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान की टीम में नहीं बल्कि ARY के शो के ऊपर। जी हाँ, आज ही हमें खबर मिली है, आज ही एक अनाउंसमेंट की गई है ARY की टीम की जानिब से कि शुएब मलिक जो हैं वो वर्ल्ड कप में उनकी ट्रांसमिशन का पार्ट होंगे। पिछले साल जैसा कि हमने देखा था, वर्ल्ड कप में ही ARY की जानिब से एक शो आया था जिसमें फखरे आलम होस्ट थे और उनके गेस्ट में बड़े बड़े नाम जिनमें वसीम अक्रम, वकार यूनस, वहाब रियाज और मिसबाउल हक थे। इस बार उसी शो का पार्ट होंगे शुएब मलिक, वहाब रियाज को वो रिप्लेस करेंगे, बाकी सारे मेंबर्स होंगे, फखरे आलम होस्ट करेंगे। तो अब शुएब मलिक इसका साफ मतलब है हमें पाकिस्तान की टीम में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तान की टीम में उनके जो वापसी के चांसेस थे वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं और शुएब मलिक अब हमें टीवी स्क्रीन के ऊपर एज अ गेस्ट नजर आएंगे। और शुएब मलिक के जितने भी फैंस हैं जो उन्हें पाकिस्तान टीम में देखना चाहते हैं वो बहुत ही दिल बर्दाश्ता हुए हैं इस खबर को लेकर, क्योंकि शुएब मलिक के फैंस के लिए यह एक बुरी खबर है क्योंकि वो अब पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान में ही रहेंगे और अपना शो करेंगे। और फैंस ज्यादा हर्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में शुएब मलिक की जगह बनती है, मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का परफॉर्म नहीं कर रहा, लगातार फ्लॉप होता आ रहा है। शुएब मलिक की एशिया कप में भी जगह बनती थी, वहां पर भी इनको लेकर जाना चाहिए था लेकिन उनको वो नहीं लेकर गए। और अब वर्ल्ड कप में भी उनकी वापसी पर जो क्वेश्चन हो रहे थे कि शायद कोई उम्मीद थी कि उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन अब उस उम्मीद को भी तोड़ दिया गया है क्योंकि अब शुएब मलिक वर्ल्ड कप के स्क्वाड में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होंगे। और अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से हमें तभी पता चल गया था जब एशिया कप में पाकिस्तान टीम ने उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल नहीं किया था, तभी हमें अंदाजा हो गया था कि अब शुएब मलिक पाकिस्तान मैनेजमेंट की प्लानिंग में नहीं है, अब शुएब मलिक को एक साइड पर कर दिया गया है और अब वो इन्हीं खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड कप में जाएंगे और वही हमें देखने को मिला। तो अगर हम शुएब मलिक की बात करें, उस वक्त शुएब मलिक पाकिस्तान जूनियर लीग का भी पार्ट होंगे क्योंकि पाकिस्तान जूनियर लीग में वो एक टीम के मेंटोर हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि एक टाइम में ही दो जगह वो कैसे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान जूनियर लीग को ही प्रेफर करेंगे क्योंकि वहां पर उनको ज्यादा तरजीह उन्हें देनी चाहिए और वो देंगे भी और उनको वहां पर पैसा भी काफी मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो वो इस शो में जूम के जरिए भी अपनी एंट्री दे सकते हैं, वहां पर अपनी हाजिरी लगवा सकते हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बड़ी बात है, जो बड़ी खबर है वो ये है कि अब शुएब मलिक हमें पाकिस्तान टीम में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। शुएब मलिक के करियर का एक हिसाब से एंड हो चुका है क्योंकि अगर शुएब मलिक इस वर्ल्ड कप में खेलते तो उनका आखिरी वर्ल्ड कप होता, लेकिन ये भी उनकी ख्वाहिश ही रह गई पाकिस्तान टीम में अपना वर्ल्ड कप के स्क्वाड में खेलना। लेकिन अब शुएब मलिक के हवाले से यही खबर आ रही है कि शुएब मलिक पाकिस्तान टीम में नहीं होंगे बल्कि वो टीवी स्क्रीन पर हमें नजर आएंगे एक शो में जो होस्ट करेंगे फखरे आलम ARY की स्क्रीन के ऊपर।